राहुल गांधी कटोरा घूमने की मांग रहा। कैसे बोल दिया वेरीफाई नहीं है, मतलब बिना नागरिकता ले आप बिना नागरिकता के अमेरिका में रह सकती हैं? नागरिकता आप, मैं बोल रहा हूँ, किसने बोल दिया नागरिकता नहीं? बोलने का ढंग नहीं तो करेंगे कहाँ से? क्या बात कर रहे, राहुल गांधी कांग्रेस सांसद हैं और आप कह रहे बोलने का ढंग नहीं है? नहीं कर पाएंगे, मैं कह रहा हूँ नहीं कर पाएंगे, बोलने का तमीज नहीं है। मतलब सीए के विरोध में फोर्स उतार दिया जाएगा? फोर्स इसलिए उतार दिया गया है अभी क्योंकि यहाँ पे कोई हिंसक प्रदर्शन ना हो। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मेरा नाम विजय बहादुर है। इस बार का पीएम कौन? पीएम देखो, ये कांग्रेस हो चाहे अखिलेश हो, एक ही घर का मंत्री नहीं बनना चाहिए। क्या अपने पोतों को बना दे, अपने बेटा को बना दे, बेटी को बना दे, काम जो अच्छा करेगा वही पीएम रहेगा। मोदी सही काम कर रहे, मोदी बनेगा पीएम। मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। आपने अपने हिसाब बढ़िया करा, अपने अपने परिवार किसी बनाए मंत्री? अपने परिवार में नहीं बनाया ना, वो कब वो कब तो भाई भाई होगा, चाहे गांव का होगा, अखिलेश का तो कब बीवी की बना रहा है, अब पतों के बना रहा है, सबको बना रहा है। अंकल जी आपके खिलाफ आप क्या देख रहे हैं 2024 में पीएम का चेहरा कौन होगा? हाँ अभी तो कर मोदी होगा, सही है, मोदी की बनाना जरूरी है। मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है? ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा है कोई बनाया ना बनाए उसका है ही नहीं, कोई आगे नजर हमें नहीं आ रहा है। चाहे कांग्रेस में कोई नहीं है, कोई नहीं है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं पीएम? राहुल गांधी चुतिया है, घूम के कटोरा घूम के मांग रहा है। अंकल गाली नहीं, गाली कैमरे के सामने नहीं, लेकिन हाँ आपके मैंने ये पूछा कि पीएम उम्मीदवार पे अगर राहुल आए तो कैसा काम करेंगे? राहुल पता ना काम करेगा नहीं करेगा, भाई हमें तो नहीं जानता वो काम करेगा नहीं करेगा। बेरोजगारी खत्म कर देंगे? रोजगारी अब तो नहीं लग रहा है रोजगारी खत्म होगा, रोजगारी तो खत्म है। बेरोजगारी खत्म कर देंगे राहुल गांधी? हाँ खत्म, अगर उनकी सरकार आएगी। अच्छा चलो ठीक है, नहीं कर पाएंगे यार, उनकी बस ना वो नहीं कर पाएंगे, वैसा उनका शिक्षित नहीं है, बोलने का ढंग नहीं तो करेंगे कहाँ से? क्या बात कर रहे, राहुल गांधी कांग्रेस सांसद हैं और आप कह रहे बोलने का ढंग नहीं है? नहीं कर पाएंगे, मैं कह रहा हूँ नहीं कर पाएंगे, बोलने का तमीज नहीं है। हाँ बोल, सबसे बड़ा बोलना चाहिए। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश कुमार तो फिर से आ गए, बीजेपी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, घुस जाएंगे कोई इसके कारण उनका, बिहार का है पलटू राम है, कब है इधर आ गए कब घसक जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। योगी कैसा काम कर रहे हैं? योगी सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं भाई। पीएम उम्मीदवार पे योगी अगर आए तो कैसा रहेगा? हाँ बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, हाँ बढ़िया कर रहे हैं, उषा ने हमें उषा नेता नजर नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ा ये है प्रॉब्लम। ये झगड़ा झुझड़ा कर बढ़िया काम कर रहा है, सबको मिल के रख रहा है। हाँ अभी देश में CAA एक बिल अभी पास होने वाला है, आज मोदी जी ने इसकी चर्चा भी की। हाँ, हाँ, तो इस पे क्या करेंगे? हाँ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो जो पता ना कौन सा लिए मालूम है, समाचार रोज सुनता हूँ, अगर सही निकालेंगे तो सब खुश रहेगा। गैर मुस्लिम यहाँ आके शरण लेंगे और उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, सही है? गैर मुस्लिम का तो नहीं है, ये जो यहाँ हकीकत में मुस्लिम है उनको तो देना चाहिए, उसको देना चाहिए, जो बाहर के है भाई उसके बारे में नहीं बता सकते। हमारे देश में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, क्या नाम हुआ आपका? ऋषभ नाम है भाई। यहाँ पे CAA जो लागू हुआ है देश में होने जा रहा है, इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? पहली बात नेहा कि जो ये CAA लागू है एक खास रणनीति की तैयार लागू किया गया है। आपको पता होगा CAA का जो मामला होगा 2019 से चला आ रहा है, और 2019 में जब इस मामले को जोर दिया गया, साइन बाग भी दिया गया, तो एक राजनीतिक भूचाल खड़ा हुआ है ना, जैसे लाइक हम बोलते हैं मुद्दा, एक ड्रीम सेट, वो सारी चीज़ें किया गया। तो ठीक ये 2024 के चुनाव को देखते हुए ये सारी चीज़ चुनावी रणनीति के तहत ये चीज़ें लागू की गई है। हालांकि ये पिछले एक दिन से नहीं, पिछले चार साल से इस पर ड्राफ्ट तो तैयार किया जा रहा था। पिछले चार साल से पहले राम मंदिर का मुद्दा बनाया गया, उसके साथ साथ कई मुद्दे बनाए गए। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा का पूरा राजनीतिक है। अगर आप जेपी नड्डा को उठाएं या अमित शाह को उठाएं या आप अखिलेश यादव को देखें, तमाम विपक्षी दलों ने इस पर विरोध जताया। इवन ममता बनर्जी ने यहाँ तक बोल दिया है और उन्होंने ये बोला है कि किसी पर भी अत्याचार सहा नहीं जाएगा। हालांकि हम आपको कुछ फैक्ट बताने वाले हैं, हमारे पास कुछ फैक्ट है, और जैसे हम आपको बताते हैं ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें जारी की गई है, ये नागरिकता देने की काम करेगा, जो CAA है नागरिकता देगी। जैसे पीड़ित जो लोग हैं, जस्ट लाइक
प्रदेश मतलब तीन मुस्लिम मुल्कों से यहाँ पे आएंगे शरणार्थी जिनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। और एक पोर्टल जारी किया गया है जहाँ पे वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो सरकार केंद्र है वो जांच पड़ताल करेगी, फिर उनको नागरिकता दी जाएगी। ये कहाँ तक सही है? ये देखिए सही तो है ना, एजेंट नहीं नहीं आपने कैसे बोल दिया एजेंट आ सकता है, एजेंट गरीब बन के तो मतलब 2000 जब से ये देश आज़ाद हुआ है 2000 अभी तक एजेंट ही आ रहा है, हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते ना। आखिर गवर्नमेंट कैसे बोल दिया वेरीफाई नहीं है, मतलब बिना नागरिकता ले आप बिना नागरिकता के अमेरिका में रह सकती हैं? नागरिकता आप मैं बोल रहा हूँ किसने बोल दिया नागरिकता नहीं मिले, अगर आप देश का सर्वे देखें देश का आप वो चीज़ें उठाएं और देखें कि कितने परसेंट वो कितने परसेंट यहाँ पे मुस्लिम बाहुल हैं, कितने परसेंट जो बाहर के हैं जैसे जस्ट लाइक आदिवासी कितने परसेंट यहाँ पर हैं, गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है, इस चीज़ को देखना और समझना होगा ना। हाँ जैसे मैं आपको बताया, जैसे आपने नागरिकता की बात करी, ये नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है 2019 में, केंद्र सरकार इस पर संशोधन किया था। हाँ हालांकि इस पर तो मुहर काफ़ी दिन से लगा था, ये चुनाव से ही पहले लागू क्यों किया गया सोचने वाली बात है। एक खास रणनीति बनाया गया, उस रणनीति के तहत काम किया गया और वो रणनीति के अकॉर्डिंग सेट एक एजेंडा सेट हुआ। ऋषभ आपको नहीं लगता कि ये जो रणनीति है और राजनीति है ये कहीं ना कहीं जनता के पक्ष में ही है? कैसे आप बोल सकती जनता के पक्ष में है? अगर जनता के पक्ष में होती तो 2019 में शाहीनबाग में क्या प्रदर्शन होता, देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिला था। और CAA के नोटिफिकेशन जारी करते ही दिल्ली में हर एक जगह पे हर एक प्लेस में फोर्स उतार दिया गया। क्यों क्यों उतार दिया गया वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बोला ना किसके विरोध में, मतलब CAA के विरोध में फोर्स उतार दिया जाएगा। फोर्स इसलिए उतार दिया गया है अभी क्योंकि यहाँ पर कोई हिंसक प्रदर्शन ना हो। इस देश में हमारा संविधान हमारा कानून है ना, और ये देश हम सबका है, हम सबका अधिकार है प्रदर्शन करना, अपनी बातों को आम जन तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। हालांकि वो काम मीडिया न करे वो अलग बात है,